स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत और हम बात कर रहे हैं प्रीवियस के आरपीसी के प्रश्नों की। और हम इसमें जो देखेंगे पेपर देखेंगे सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा का यानी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम था ग्रुप ए का 2022 की भर्ती 22 फरवरी 2023 को पेपर होता है। ये जीके का फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रुप यानी ए ग्रुप है, ग्रुप ए वो पेपर है। अब चलो देखते हैं इसको। चलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखें। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन व रसद हेतु धन उपलब्ध किसने करवाया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो वो करवाया था सेठ अमरचंद बांठिया ने करवाया था। किसने करवाया था? सेठ अमरचंद बांठिया ने करवाया था। ठीक है, आगे चलो देखें। आगे देखते हैं इसमें संदर्भ में आगे बात करें। देखिएगा, पथिक ने, विजय सिंह पथिक की बात हो रही है, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है आपके प्रताप, कौन सा है? प्रताप से जो है इसे विजय सिंह पथिक जी ने समाचार पत्र के माध्यम से इसे जो है पूरे भारतीय समाचार पत्र तक पहुंचा दिया था। प्रताप था, अखबार का नाम क्या था? प्रताप। आगे देखें, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला किसने स्थापित करी? इसमें से जो कबीर पाठशाला जो करी स्थापित वो थी सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी सभा? सर्वहितकारिणी सभा। आगे देखें, बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंत की स्थापना किसने करी थी? बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंत की स्थापना किसने करी थी? भगत पंत की स्थापना करने वाले थे गोविंद गुरु। कौन थे? गोविंद गुरु। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंप दिया था? सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? आपको याद होगा सिरोही का प्रशासन किसको सौंप दिया था? तो सिरोही का प्रशासन सौंप दिया था बंबई को सौंप दिया था। आगे देखें, रिखिया ब्यावले और नेजा निम्न से किस लोक देवता से संबंधित हैं? रिखिया ब्यावले और नेजा किससे संबंधित हैं? वो है रामदेव जी से। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा। तो इसमें से हम बात करें, अब देखिएगा सातों प्रश्न की, तो बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय से हरिदास जी हैं, अल्किया से लालगिरी जी हैं, निष्कलंक से माव जी हैं, लेकिन गुदड़ नवल दास जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। जाला हवेली किस महल में स्थित है? जाला की हवेली किस महल में स्थित है? तो वो कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। आगे देखें, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया वो जो है आपके किससे संबंधित थे? वो थे आपके जयपुर राज्य से। किससे थे? जयपुर राज्य से। आगे चलें, गुडला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मनाया जाता है राव सातल देव। गुडले खां की हत्या करी थी और राव सातल देव ने। अब देखें, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है त्यौहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं? कौन सा त्यौहार जो भाद्रपद में नहीं मनाए जाते हैं? तो इसमें से बात करें, भाद्रपद में कौन सा नहीं मनाया जाता? एक आंवला नवमी, ठीक है, और एक शरद पूर्णिमा। ये दोनों भादों में नहीं आते, भाद्रपद में नहीं आता, ठीक है। बाकी गोगा नवमी आती है
और अनंत चतुर्दशी भी आती है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं, डंडों से जो है नृत्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं, वो होगा गीदड़। गीदड़ कहाँ? सेकावटी गीदड़ में। तुलसी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तुलसी जो है कहाँ पहना जाता है? तुलसी जो है वो गले में पहना जाता है। आगे बात करें, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी का पूछा है, मलयगिरी में किस रंग की प्रधानता होती है? तो होती है भूरा। कौन सा? भूरा। कौन सा आया होगा? भूरा। चलिए अब आगे बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, कौन हैं वो? तो कौन होंगे वो? ओपी मेहरा। कौन है? ओपी मेहरा, जो क्या रह चुके हैं, भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये प्रश्न है। ठीक है, देखें, चले शुरू करते हैं 16 का। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राज्यपाल की शक्ति 123। ये नहीं है, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, ये सुमेलित नहीं, तो सुमेलित कौन सा देख लेते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161। ठीक है, सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे 165। ये सही है, 165। ठीक है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को क्या करेंगे? आहूत करेंगे। ये 174 का बात है, वो किसकी? 174 की। आगे देखें, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो कौन होगा, किससे संबंधित करेगा? वो होगा मुख्यमंत्री। कौन सा? मुख्यमंत्री। आगे देखें, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वो विधेयक सदन के समक्ष पुनः रखने के लिए अधिकृत हैं, कौन रखेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन रखेगा? विधानसभा अध्यक्ष रखेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए मुख्य सचिव के संदर्भ में, और सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है सही विकल्प का। यहाँ से सही विकल्प का चयन हम जब करेंगे तो देखिएगा, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उप समिति का भी सचिव होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ से सही है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट, पहला सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान लोक सेवा यानी कि आरपीएससी से संबंधित प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें से गलत है ये पूछा है। आरपीएससी से संबंधित प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये प्रश्न पूछा। तो देखिएगा, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवाओं सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों शक्तियों से संबंधित है। बिल्कुल सही, 234, 315 और 323। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, चौथा यहाँ से सही हो जाएगा उत्तर इसका। आगे चलें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित से किस धारा में किया गया, किस
धारा में है, तो वो ये धारा 24 है। कौन सी धारा? धारा 24 के अंतर्गत ये है। आगे देखिए, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी? किस ये पारित हुआ यानी लागू हुआ करें दो हो और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, ये कब था? ये आपके हो गया 1953 में। कब हुआ था? 1953 में, 1953 में। आगे देखें, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल, देखो, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? देखो क्या करेगा, तो क्या करेगा, वो करेगा विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, ठीक है, बिल्कुल ये कथन सही नहीं है, पूछा है सही नहीं है, पूछा है सही नहीं है कि बाद हम जब करेंगे तो इसमें ये एक सदनीय व्यवस्थापिका बिल्कुल सही है। 32 सीटें अनुसूचित वर्ग के लिए और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, ये गलत है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, ये सही है। राजस्थान विधानसभा कुल 200 सीटें हैं, 200 सदस्य हैं, ये भी सही है। उत्तराखंड में आयोजित 48वें जूनियर बॉयज कबड्डी, ये आपको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त का कारण था, ये भी छोड़ देते हैं, अब कोई मतलब नहीं है इसका। MK रॉकेट प्रणाली का सफलता परीक्षण किया गया, हालांकि इसका उत्तर देख लेते हैं। बाकी ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था, छोड़िए इसको, ये जैसलमेर में था, ये भी छोड़ देते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा, ये बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, ये पचपदरा है, आपको याद होना चाहिए। आगे देखें, GSDP से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। गाजी खान बरना की बात है 2018 से, यानी गाजी खान की बात कर रहे हैं, गाजी खान बरना किससे संबंधित है, ये इसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, गाजी खान बरना जो है वो हड़ताल से संबंधित है, किससे है, हड़ताल से संबंधित है। देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई, किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना करी गई है? महिला निधि की स्थापना करी गई है आपके राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, किसके माध्यम से? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से करी गई है। आगे देखें, परियोजना के नाम एक तरफ हैं और वित्त पोषित कहाँ कहाँ से, उसकी बात हम करेंगे। देखिएगा, इसके संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरिसिस समन की बात करें तो ये होगा आपके, ये हो जाएगा आपके जीका से, ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से, और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम इसकी बात करेंगे तो ये होगा आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक से। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB से। ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखें, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग यूनियन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा तो अलवर प्याज के लिए हो जाएगा, अजमेर गुलाब के लिए, डूंगरपुर आम के लिए, जयपुर नींबू के लिए नहीं है। आगे देखें, इसको देख ही लेते हैं। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा विकल्प गलत है, तो इसके संदर्भ में बात हम जब करेंगे तो देखिएगा, इसके संदर्भ में होगा, देखो सही बात कर, राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ हो गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों और 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे, ये भी सही है।
सरकार ने आर ईवीपी 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने के लिए और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया। ये भी स्टेटमेंट सही है, चौथा यहाँ से जो है इसका गलत होगा। 2022 यानी कि 1/1/2023 से प्रभावी होगा, ये गलत स्टेटमेंट है चौथा। आगे देखें, निम्न आकार के अनुसार आपको ये माध्यमों की बात हो रही है, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में बताना है। घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में आपको इनको बताना है। इनको अवरोही क्रम में आप जब बताएंगे तो कैसे बताएंगे देख लेते हैं। अवरोही क्रम में होगा सबसे पहले आप बात करें उत्तरी अमेरिका की, फिर होगा दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका और यूरोप होगा। आगे देखें, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रह पवन पेटी के लक्षण हैं? ये किसके हैं लक्षण? ये होंगे अश्व अक्षांश के होंगे। अश्व अक्षांश की ये विशेषता है, स्वच्छ आकाश होगा, कम वर्षा होगी, शांत पवन होगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? जलवायु के सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है ये, तो इसकी हम बात जब करेंगे। ये होगा मानवीय पर्यावरणीय पर स्टॉक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, स्टॉक सम्मेलन 1972 की ये वर्षगांठ है 1972। सन 2020 में निम्न देशों में सबसे घनी आबादी वाला, 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, 2020 के अकॉर्डिंग बात करें तो नीदरलैंड, कौन सा लैंड है? नीदरलैंड। आगे चलें, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या कम है, ये प्रश्न है यहाँ से, तो बात करें दोनों ही कोटेशन यहाँ से सही है आपकी। आगे चलें, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तेलंगाना पठार यानी प्रायद्वीप पठार को डिवाइड करने वाली कौन सी है? सीधी सी बात है, ये है आपके प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में डिवाइड करती है, ये होगी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। शिवालिक पादी क्षेत्र के सारे का वो भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक संरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है क्या कहलाता है बाबर। शिवालिक पादी क्षेत्र के सारे का वो भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक संरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है तो इसमें से कौन सा होगा? वो होगा, देखते हैं, प्रबल बनाता है वो है मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है, ये क्या बनाता है? प्रबल बनाता है। आगे देखें, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? 4300 प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार का वन पाया जाता है, यानी पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? वो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन, पूर्वी की है हिमालय की तलहटी से, यानी कि सूर्य का ताप भी बहुत ढंग से मिलेगा, बारिश भी मिलेगी, तो पर्वतीय क्षेत्र भी है, हिमालय हो गया, पर्वतीय क्षेत्र भी, यानी सब कुछ चीज़ें मिलेगी, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार भी रहेगी बारिश की वजह से, पर्वतों पर स्थित पर्वतीय वर्षा वन होगा सेकंड, ठीक है। यहाँ से आगे चलें, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है पूछा है? सही है, इसके संदर्भ में देखें तो ये जो है ये बिल्कुल है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए
लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना, ये बिल्कुल सही है, ये कोटेशन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातित वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर रही है, ये भी अब काम का नहीं है, हालांकि इसका देख लेते हैं फिर भी क्या है, ये होगा पेट्रोलियम उत्पाद, क्या होगा पेट्रोलियम उत्पाद। चलें, भारत में निम्न से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो कौन करता है, वो करता है वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, कौन सा करता है वस्त्र उद्योग कपड़ा उद्योग। आगे बात करें, ए पी एम सी अधिनियम का जो संबंध है वह भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से, पहला ऑप्शन भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से हो जाएगा, ठीक है, भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से ये हो जाएगा पहला ही, ठीक है। आगे चले, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का GVA हिस्सा कितना है, ये इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है, हालांकि उस समय का है, यह काम अब नहीं आने वाला है, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो 33.08 हो जाएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को जो है असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है, वो कौन किसने बताया था, वो बताने वाले बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, किसने बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित तथा पुनर्गठित किया गया, 1935 द्वारा स्थापित तथा पुनर्गठित किया गया, कौन सा करा गया, यहाँ से देखिए 1935 अधिनियम की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय दोनों के दोनों जो है ये आपके 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए, ठीक है। आगे चलें, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज को डिजाइन किया था, अब इसमें तीन रंगों में शामिल किया गया था, गांधी जी ने जो तिरंगा बनाया था, ध्वज जो बनाया था उसमें तीन रंग कौन कौन से थे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा, इसमें था लाल हरा और सफ़ेद था। आगे देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, प्रश्न यह है, तो ये होगा 1950, कब है 1950। आगे चलें, भारत के संविधान के संदर्भ में इन शब्दों पर विचार कीजिएगा, इन शब्दों पर विचार करना है तो कर लेते हैं, इन शब्दों पर विचार कर लेते हैं, तो देखिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव ये भी है, सामाजिक संस्कृति ये है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष ये भी है, यहाँ से चौथा ऑप्शन सही है। आगे चलें, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाना है, तो विद्युत सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1937 अधिनियमित किया गया था, क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियमित किया गया था, 55 प्रश्न, ये था 39 क, कौन सा है 39 क, ऑप्शन यहाँ से दूसरा यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार अपन को करना है, तो विचार, ठीक है, विचार यहाँ से करें, देखें, मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो
या राज्य मंत्री या फिर उपमंत्री। बिल्कुल सही है, मंत्री परिषद में शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे चलें, निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। कौन से गौड़ा? HD देवगौड़ा नहीं थे 1996 में। आगे देखें, एक तरफ दबाव समूह है, एक प्रेशर ग्रुप, दूसरी तरफ संबंधित राजनीतिक पार्टियां हैं। देख लेते हैं, देखें, चलिए, कौन सा युग्म इसमें से गलत है, ये पूछा। ठीक है, देखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी। गलत है ऑप्शन ये, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ये सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे चलें, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? यही प्रश्न है, कब जारी की जाती है? वो की जाती है निर्वर्तमान, यानी कि निर्वर्तमान की जो अभी जो है राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी कर देगा, 60 दिन से पहले किसी। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? तो ये 1920 में की गई है, याद रखिएगा 1920। आगे चलिए, निम्न में से कौन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह कोर के सदस्य हैं? इसमें से क्या होगा? ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान, इटली, ठीक है, यही है, ठीक है, इसमें से होगा सेकंड ऑप्शन। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मेक डोनाल्ड डाइडेशन शब्दावली को निम्नांकित पुरुष किसने गढ़ा था? ये किसने गढ़ने वाला था? ये था जॉर्ज रिटजर। कौन सा जर है? रिटजर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया? सही नहीं है ये, तो इसमें देख लिया। G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था, गलत है। आगे चलें, G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम से प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 देश सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। निम्नलिखित कथनों पर बात करें, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग UNHCR यहाँ बात करें, कौन से कथन है इसमें से हम बात करने वाले? तो देखिएगा, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सही है, दो महासचिवों कॉफी अनान और डेग हैव स्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। ये भी सही है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। ये भी सही है, तो यहाँ से ऑप्शन चौथा यहाँ से आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, ये देखें, पहाड़ियाँ हैं एक तरफ की, इनको सुमेलित करना है, स्थिति कहाँ है इनकी वो अपन को बतानी है। देखो, डोरा पर्वत की बात हम करें तो डोरा पर्वत आपके कहाँ है? जालौर में। सबसे पहले डोरा पर्वत जालौर, ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद कामली घाट राजसमंद, उसके बाद अपन बात करें हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है, और फिर हाथीनाल उदयपुर में, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखें, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को अपन देखते हैं, सुमेलित करते हैं, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को क्या करेंगे? सुमेलित यहाँ से अपन करने वाले हैं, ठीक है।
जलवायु प्रदेशों। शुष्क, शुष्क के बारे में बात करें जैसलमेर है ये, शुष्क जैसलमेर, शुष्क जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उप आद्र, उप आद्र अलवर और आद्र झालावाड़। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही कूटों को, सही कूटों से सही कथन चुनिए, ये अपन को करना। देखते हैं, देखते हैं। लूनी नदी क्रम का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। तो ये भी सही यहाँ से है, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए, यानी कि अब नस्लों की बात हो गई, पशु नस्लों की बात, पशु नस्ल की बात यहाँ से करते हैं। तो देखिएगा, लोही बकरी की नस्लें बिल्कुल सही है, जैसलमेरी ऊँट की नस्लें बिल्कुल सही है, गुड़ा भैंस की नस्लें गलत है। यहाँ से ये जो होगा वो ए और सी सही होगा। निम्नलिखित में से बात करें, राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है, सरसों उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, सरसों उत्पादन में क्या है, अग्रणी है, अग्रणी है। बात करें, देखिएगा इसमें होगा भरतपुर, अलवर और गंगानगर, भरतपुर अलवर और गंगानगर। आगे देखें, लोहागढ़ का किला कहाँ है भाई, ये तो पता ही होना चाहिए। लोहागढ़ का किला है भरतपुर में, कौन सा पुर है, भरतपुर। आगे चलें, दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, तो वो थी बाड़मेर में, बाड़मेर में। आगे देखें, पैरावना तथा तारणा विवाह जो है प्रचलित है किस में, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, गरासिया जनजाति में पैराना और तारणा, ठीक है, गरासिया जनजाति में। आगे देखें, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया, खेतड़ी, खेतड़ी कब किया गया था, वो 1967 में, 1967 में किया गया था। आगे देखें, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्न से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, वनावरण का प्रतिशत क्या है, सर्वाधिक है पूछा, वो है उदयपुर और प्रतापगढ़, कौन सा, उदयपुर और प्रतापगढ़। आगे देखें, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, पुरातत्व स्थल कालीबंगा है, बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, ये पूछा है, कौन से सहयोगी नहीं रहे। तो यहाँ से देखो, त्रिपाठी साहब नहीं रहे, बाकी एमडी खरे साहब रहे, एसपी जैन रहे और केएम श्रीवास्तव रहे, त्रिपाठी साहब यहाँ नहीं रहे, तो एमडी खरे, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव। आगे चले, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है, वो है गणेश्वर, कौन सा वर, गणेश्वर, ठीक है। आगे चले, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया, मीर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत करने वाला वो था सुलेमान, कौन सा मान, सुलेमान। आगे चले, किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि, याद रखिएगा ये कोई नया प्रश्न नहीं समझ सकते हैं, इसको बहुत बार पूछा गया है, सोमेश्वर, कौन सा है, सोमेश्वर, प्रताप लंकेश्वर। 1303 ईस्वी में सेनाई गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए थे, वह थे अलाउद्दीन खिलजी, कौन से खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए गोरा और बादल शहीद हो गए थे। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी, किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खान, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था, किसको किया था, किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान, तो ये था बंगाल, किस प्रांत की, बंगाल की। आगे देखें, अब आते हैं साइकोलॉजी की तरफ, देखते हैं, निम्न में से कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत याद रखिएगा, कौन सी अवस्था स्वीकृत सिद्धांत, स्वीकृत
अवस्था उनकी नहीं है, यानी कि स्वीकृति नहीं देता। तो देखें कौन सा ये है आपके, देखें सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है, लेकिन भूमिका संदेह अभिमुखता नहीं है, पहला ऑप्शन ऐसे गलत। आगे देखें निम्नलिखित में से किसने सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी जो है सीखने की विशेषता है ही नहीं, कौन सी सीखने की विशेषता है। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया बिल्कुल है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता बिल्कुल सही है, सीखना केवल औपचारिक है बिल्कुल गलत है, सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, नहीं थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है, परंपरागत वर्गीकरण में कौन सा सीखने का प्रकार नहीं है पूछा गया, कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो देखें संज्ञानात्मक अधिगम है, यांत्रिक अधिगम नहीं है, भावात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक है। तो 83 का जो प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न यांत्रिक अधिगम नहीं है। अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है पूछा, कौन सा कथन गलत। देखें अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल होता है, ठीक है होता है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। नवीन व्यवहारों का अर्जन होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला देखें ये व्यक्ति में उन मनोभौतिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है, ये कथन निम्नलिखित किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में, कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में ये व्यक्तित्व की बात करता है, कौन सी की व्यक्तित्व की बात करता है, ठीक है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, व्यक्तित्व के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें देखें शीलगुण उपागम है, प्रकार या टाइप उपागम है, मानवतावादी उपागम है, लेकिन एक तंत्रात्मक उपागम नहीं है व्यक्तित्व के सिद्धांतों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ से, स्वयं के मौजूद पक्षों सीमाओं की जानकारी होना बिल्कुल सही है, स्वयं अन्य के समान करना बिल्कुल है, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होता, ये स्टेटमेंट गलत है, व्यवहार में लचीलापन होना ये बिल्कुल सही, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थोंडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है, थोंडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है, थोंडाइक ने जो दिया वो प्रकार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से नहीं है बात करें, सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, लेकिन शरीर गति की बुद्धि यांत्रिक बुद्धि नहीं दिया था, मूर्त अमूर्त सामाजिक ही दिया था थोंडाइक ने, ठीक है। निम्न से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, यानी क्रिएटिविटी का नहीं है तत्व, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं इसमें से बात करें तो परवाह होता है, मौलिकता होता, विस्तारण होता, अभिसारी नहीं होता, यहाँ से अपसारी होता तो हो जाता, लेकिन अभिसारी नहीं होता, अभिसारी चिंतन नहीं होता। अब देखें सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है, किसका परिणाम होती है, बाएं गोलार्ध की प्रबलता का। आगे देखें ए मास्लो यानी अब्राहम मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं, निम्न से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया, कौन सा मास्लो द्वारा नहीं दिया गया, तो ये क्या कौन सा नहीं दिया गया, आत्मीयर्थीकरण यानी आत्मबोध की आवश्यकता दिया, संबद्धता में प्यार की आवश्यकता दिया, सुरक्षा की आवश्यकता दिया, लेकिन उपलब्धि आवश्यकता नहीं दिया, ठीक है। आगे चलें निम्न से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या घटक नहीं है, निम्न से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या फिर घटक नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो आवश्यकता होगा, अंतर्नोध होगा, अभिप्रेरक होगा, लेकिन उपलब्धि नहीं होगा। आगे देखें भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा, व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है, तो वो क्या होगा, वो होगा बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, प्रतिभाशाली है
तो ये उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। योगन समूह हो सकता है, संवर्धन कार्यक्रम हो सकता है, दोहरी पदनीति हो सकता है, लेकिन इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। आगे देखें, रुचि गुप्त या अवक्त हुआ अवधान, वो अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। मैकडूगल, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? देखो, उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों का ज्ञान शिक्षण उपयोग करना चाहिए, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना चाहिए, कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना चाहिए। गलत है ये, तीसरा ऑप्शन गलत। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, ये विचार देने वाले हैं आपके स्किनर हैं। कौन से नर हैं? स्किनर हैं, ठीक है। आगे देखें, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए नियतार्थ नीचे दिए गए हैं, यानी क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए उनमें, देखिएगा, बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना बिल्कुल सही है, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना ये भी सही है, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ से सही है, ए बी सी सही होगा। आगे देखें, वो वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है, क्या कहलाती है? वो कहलाता किशोर अवस्था। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन इसका, एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनामहीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? मतलब क्या है उद्यमता बनामहीनता, इसमें से कौन सी में होगी? तो वो होती है उत्तर बाल्य अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्य अवस्था। तो ये प्रश्न थे राजस्थान जीके से लेके इंडिया जीके साइकोलॉजी यानी कि सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, जो जीके का जो पेपर होता है, ये था संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती 2022 की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो पैटर्न पता चल जाता है, एक टॉपिक पता चल जाता है कि इन टॉपिक से प्रश्न आने ही आने, चाहे कैसे भी आए, कहीं से भी आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।